नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। इसके लिए हमने सूखे हुए नारियल लिए हैं और इसका बाहरी हिस्सा ग्रेट करके निकाल लेंगे और जो थोड़े बहुत छिलके छूट जाते हैं उसे हम चाकू से निकाल लेंगे। या तो आप इसे कद्दूकस कर लें या तो मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लें। यहाँ पे मैंने नारियल को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें से 2.5 कटोरी नारियल ले करके इसे रोस्ट करेंगे ब्राउन होने से पहले तक। इसमें से थोड़ा सा नारियल हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। नारियल को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे इसमें 1 कटोरी मलाई डाल देंगे। मलाई डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें 1 कटोरी खोया ऐड करेंगे और इसे भी 5 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें 5-6 इलायची कूट करके डाल देंगे। इलायची को मिला करके गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसे सिर्फ इतना ठंडा करना है कि इसमें हाथ डालने से हमारा हाथ ना जले। और इसी टाइम पर इसमें 2 कटोरी चीनी पाउडर ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। और इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और जो बचे हुए नारियल मैंने रखे थे उसे गार्निशिंग कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे नारियल के लड्डू तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं, आप ज़रूर ट्राई करना।